पीएम मोदी 2 नवंबर को जब थाईलैंड के दौरे पर गए थे तो सबकी नजर इस बात पर टिकी थी कि भारत रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी कि RCEP डील पर हस्ताक्षर करता है या नहीं। RCEP के तहत अभी 10 सदस्य देशों यानी कि ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और 6 FTA पार्टनर्स जिसमें कि चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता प्रस्तावित है और ये सभी देश चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द इस डील पर साइन कर दे। लेकिन भारत की ओर से पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया है कि भारत किसी भी डील पर साइन करने से पहले अपने हितों को देखेगा। इतिहास में भारत ने अन्य देशों के दबाव में आकर ऐसे कई बड़े फैसले लिए हैं जिनका खामियाजा भारत को आज तक भुगतना पड़ रहा है। हालांकि अब मोदी सरकार व्यापारिक समुदाय के साथ मिलकर RCEP पर साइन करने पर विचार कर रही है और भारत ने किसी भी देश के दबाव में आकर कोई बड़ा फैसला लेने से मना कर दिया है। दरअसल भारत का कहना है कि RCEP को लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी स्पष्ट नहीं है। इस पर विदेश मंत्रालय के सचिव विजय ठाकुर सिंह ने कहा है कि भारतीय प्रतिनिधि RCEP व्यापार सौदे से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने में जुटे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह बेहतर और पारदर्शी है। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो अभी भी स्पष्ट नहीं है। यह मुद्दे हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे लोगों की आजीविका के लिए बेहद जरूरी हैं। इससे पहले पीयूष गोयल ने भी यह जानकारी दी थी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से पहले सरकार देश की इंडस्ट्री के हितों को प्राथमिकता देगी। साथ ही उन्होंने कहा था कि कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने से पहले डोमेस्टिक इंडस्ट्री और देश के लोगों के हितों की सुरक्षा करना जरूरी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ RCEP डील को लेकर ही सतर्क है। भारत ने आसियान देशों के साथ पहले से FTA एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। उस समझौते को भी भारत रिव्यू करना चाहता है। इसके लिए भारत ने सभी आसियान देशों को मना भी लिया है। आसियान ने माना है कि आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए FTA को ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली बनाने की जरूरत है। बता दें कि सितंबर महीने में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में FTA की समीक्षा को लेकर सहमति बनी थी। भारत RCEP को लेकर जो सावधानी बरत रहा है वह काफी हद तक उचित भी है। दरअसल इस समझौते पर बातचीत अभी जारी है लेकिन भारत को इससे कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। इस समझौते पर हस्ताक्षर करते ही इन सभी देशों को बड़ी आसानी से भारत के बाजार तक पहुंच मिल जाएगी और भारत को आयात शुल्क को भी कम करना पड़ेगा। चूंकि चीन भी RCEP का सदस्य देश है ऐसे में डर है कि चीन इस समझौते के तहत भारत में अपने निर्यात को बढ़ा सकता है और व्यापार संतुलन को और ज्यादा बिगाड़ सकता है। बता दें कि भारत की कमजोर कूटनीति का ही यह नतीजा है कि UPA शासनकाल में भारत के हितों के विरुद्ध आसियान देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया गया था। दरअसल भारत ने वर्ष 2009 में आसियान के साथ यह समझौता किया था लेकिन आज मोदी सरकार को इस समझौते पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है क्योंकि इस समझौते का सबसे अधिक फायदा भारत की बजाय अन्य आसियान देश उठाते रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी के नेतृत्व में अब भारत ऐसी कोई भी गलती को दोहराने के पक्ष में नहीं है। पीएम मोदी इस डील को लेकर इंडिया फर्स्ट की नीति पर काम कर रहे हैं और देश के व्यापारी समुदाय को अपने विश्वास में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यह दिखाता है कि पीएम मोदी की सफल कूटनीति भारत को सिर्फ सुरक्षा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी फायदा पहुंचा रही है।